साथियों नमस्कार। आज हम जानते हैं बिटल लीफ प्लांट के बारे में। ये पौधा घर में कैसे लगाते हैं और इसका क्या महत्व है। नमस्कार आप सभी लोगों का। हम सभी हिंदुस्तानियों को खाना खाने के बाद में पान खाने की आदत होती है। कहीं इम्पोर्टेंट मौके के ऊपर, शादी में हो या कोई पार्टी हो, तो हम लोग पान जरूर खाते हैं। और हमारे घरों में पूजा हवन में या कोई कथा करते हैं या कोई महत्वपूर्ण बात होती है तो वहाँ पान का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो पान को घर में हम उगा ही लेते हैं। अगर इतना महत्वपूर्ण है तो हम पान को घर में उगा ही लेते हैं। बहुत आसान है इसको घर में उगाना, बस कुछ बातों का ख्याल रखना जरूरी है। इसका हम आगे वीडियो में डिस्कशन करेंगे। जुड़े रहिए मेरे साथ में। स्वागत है आपका आपके जीवन सार में। वीडियो को शुरू करने के पहले एक विनम्र निवेदन है आपको कि मेरे वीडियो अगर अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य कर दें अपने जीवन सार चैनल को, और बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ये पान जिसे बिटल लीफ कहा जाता है, एक तरह की हर्बल वाइन है। ये बेल की तरह चढ़ती है, आसानी से ग्रो हो जाती है। दुनिया भर में इसकी 90 वैरायटी है, लेकिन हमारे इंडिया में इसकी 45 वैरायटी मिलती है, पाई जाती है। क्योंकि हिंदुस्तानी पान के बहुत शौकीन हैं, इसलिए हिंदुस्तान में ज़्यादातर कलकत्ता पान, बनारसी पान, मगाई पान ये फेमस है। सभी पान को आप मनी प्लांट के जैसे उगा सकते हैं। केयर भी वैसे ही है जैसे मनी प्लांट की होती है। आप इसको जमीन में भी लगा सकते हैं, आप इसको पॉट में भी लगा सकते हैं। अगर आप इसको पॉट में उगा रहे हैं तो इस प्लांट को पॉट गहराई में ले, चौड़ाई में की जरूरत नहीं है। अगर आपके बालकनी में कोई धूप भी नहीं आती है ना, तो आप इसे उगा सकते हैं। इसे ज़्यादा जगह की भी जरूरत नहीं होती है। इसकी जो ग्रीन कलर की हार्ड के आकार की ग्रॉसी पत्तियां होती है ना, इसको उगाने का तरीका मैं आपके आगे बताती हूँ। इसको सनलाइट जो चाहिए ना, इसको डायरेक्ट धूप नहीं चाहिए। ये सुबह की धूप, कोमल धूप हो तो चलेगा, दोपहर की धूप तो ये बिल्कुल पसंद नहीं करता। एक दिन में ही ये सूख जाएगा अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा धूप में रख दिया तो। या तो फिर ऐसी जगह रखें कि बड़ा प्लांट हो और उसके नीचे इसको रखें तो छन-छन के धूप इसको आ सकती है, तो ये बहुत अच्छे से चल जाएगा। और या तो फिर आप बालकनी में इसको बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। रोशनी इसको खुली रोशनी हो, खुली जगह हो, धूप नहीं हो तब भी चलेगी, तो आप इसको उगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं, ह्यूमिडिटी वाला नेचर इसको पसंद है, टेम्परेचर इसको पसंद है। ये गर्म और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा पसंद है इसको, इसलिए ये नदी किनारे या समुद्र किनारे ह्यूमिडिटी जहाँ ज़्यादा हाई होती है ना, इस जगह ये ज़्यादातर मतलब लगाया जाता है। अपने इंडिया में तो वेस्ट बंगाल से लेके आंध्रा, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, यहाँ इसको ज़्यादातर उगाया जाता है। और इससे इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती। गर्मी है, अगर ड्राई जगह अगर आप उगा रहे हैं, गर्मी और ड्राई जगह अगर उगा रहे हैं, जैसे राजस्थान है, गुजरात है, पंजाब है, हरियाणा है, इन जगहों तो प्लांट को ह्यूमिडिटी वाला नेचर वातावरण आपको देना पड़ेगा। पौधे के नीचे रखे, मॉइस्चर इसको मिलता रहे, बस ये वहाँ भी आसानी से उग जाएगा। हॉट एंड ड्राई कंडीशन में इसको वर्स्ट कंडीशन है। हॉट एंड ड्राई एरिया में इसकी केयर तो आपको थोड़ा ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं कि इसके सॉइल की। इसको चाहिए वेल ड्रेन सॉइल, पोरस सॉइल, मिट्टी हल्की हो। 40% कोकोपीट या परलाइट ले ले, या 60% मिट्टी में आप वर्मी कंपोस्ट ले ले, मिट्टी ले ले और किचन कंपोस्ट ले ले, ये आपकी हल्की मिट्टी तैयार हो जाएगी। और पानी ठहरेगा नहीं इसमें, तो हल्की मिट्टी के साथ में इसको एसिडिक सॉइल भी बहुत पसंद है। मिट्टी इसकी मॉइस्ट रहनी चाहिए, इसको ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए। अगर ओवर वाटरिंग आप करते हैं तो इसकी जड़ें गल जाएगी। मिट्टी सूखनी भी नहीं चाहिए और इसको ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो ये अगर सूख गई मिट्टी ना, तो ये एक दिन में ही प्लांट सूख जाएगा। इसलिए पानी का आपको बहुत ज़्यादा एहतियात रखना पड़ता है। रेगुलर वाटर दें, मिट्टी मॉइस्ट रखें। इस प्लांट को 1 से 2 आसानी से आप कर सकते हैं, इसके रूट से भी या इसके कटिंग से भी आप लगा सकते हैं। नोड्स का एरिया ले ले, ये जो नोड्स का एरिया होता है ना, ये नोड्स का एरिया ले ले, और नोड्स के एरिया के पास से आप इसकी कटिंग निकाल के इसको लगा दे और आप वहां से इसको जड़े आना शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से इसकी कटिंग आप पानी में भी लगा सकते हैं।
कोई अच्छी सी ब्रांच ले ले। अभी तो ये मेरा प्लांट मैं आज लगा रही हूँ, अभी तो इसका तो आगे चल के दिखाऊंगी मैं आपको कि कैसे कटिंग लगानी है। एक अच्छे से ब्रांच ले ले इसकी, नीचे की दो तीन पत्तियां निकाल दे और उसको पानी में डाल दे। जब पानी में उसकी जड़ें आना शुरू हो जाएगी तो उसको कुछ टाइम के बाद में पानी दो तीन दिन में बदलते रहे बॉटल का, और उसके बाद में जैसे रूट इसकी डेवलप हो जाएगी तो आप इसको जमीन में लगा दे और मिट्टी में लगा दे, तो ये आपका दूसरा प्लांट भी तैयार हो जाता है। कंपोस्ट, इसको नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर चाहिए। जैसे हम देते हैं ना कि केले का छिलका हो गया, आपका चाय पत्ती हो गई, या वर्मी कंपोस्ट हो गया, या काउडंग कंपोस्ट हो गया, ये आप दे सकते हैं आसानी से। किचन कंपोस्ट हो गया, ये आप आसानी से दे सकते हैं, या इसका आप लिक्विड बना के भी दे सकते हैं। तो ये हम होता है, और जैसे इंसेक्ट का अगर अटैक हो गया तो इंसेक्ट का अटैक में इसको कोई ज़्यादातर होता नहीं है। इसके जो रेड माइल्स होते हैं ना वो लग जाते हैं कभी कभी, इसके लिए सूखे कपड़े से आप साफ करके इसको पूछ सकते हैं। दूसरी बात, इसको ओवर वाटरिंग से फंगस होने का डर रहता है, इसलिए ओवर वाटरिंग अगर नहीं करेंगे तो फंगस लगेगा नहीं। और बस यही है। तीसरा प्रॉब्लम यह है कि लीफ लाइट इसमें हो जाता है, लीफ लाइट हो गया तो आप पत्ती तोड़ के इसको फेंक दीजिए। यही दो तीन बीमारियां इसमें हो सकती हैं, केयर कर लीजिएगा, प्लांट आपका हेल्दी हो जाएगा। अब हम प्लांट को लगाते हैं। लगाने जो ड्रेनेज है ना, ये ड्रेनेज होल हम पहले बंद कर देते हैं। ये ड्रेनेज होल मैंने ये पत्थर रख के बंद कर दिया है। इसमें मैंने ये कंपोस्ट लिया है, थोड़ी सी रेत ली है, और वर्मी कंपोस्ट है, काउडंग कंपोस्ट है, और मिट्टी है, और आपका ये कोकोपीट है। तो इस तरीके से मैंने पोरस मिट्टी इसकी बना ली है। इसको मैं मिक्स करके गमले में भर देती हूँ। ये मैंने भर दी है गमले में। इसमें थोड़ा सा गड्ढा करके ये ऐसे प्लांट को लगा दिया है। जैसे मैंने बताया ना कि लीफ लाइट हो जाता है तो तोड़ देना चाहिए पत्ता, ये इसका मैंने नर्सरी से मंगा था, तो ये पत्ता खराब है इसका, ये देखिए ये पत्ता खराब है, तो ये मैंने तोड़ दिया है। ऊपर से डाल देंगे मिट्टी थोड़ा सा, ये देखिए मिट्टी भी डाल दिया। अब हम दे देंगे थोड़ा पानी इसको, ये देखिए ये हमारा प्लांट लग चुका है। ये मैंने मगाई पान का पौधा मंगाया हुआ है, ये लगाया है। अभी इसका अपडेट मैं आगे आपको देती हूँ। और अगर इसकी ज़्यादा पत्ते चाहिए ना आपको, तो इसका जितना प्रूनिंग करते जाएंगे पत्तियाँ आपको उतनी ज़्यादा मिलती जाएंगी। ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो इसकी प्रूनिंग करते चले, और पत्तियाँ आपको जितनी, अगर आपने प्लांट लगाया है तो इसकी पत्तियाँ आप यूज भी कीजिए। और मनी प्लांट भी जैसे इसका है कि जैसे जितना आप तोड़ेंगे उतना ज़्यादा पत्तियाँ आएगी, जितना उतना ज़्यादा ये प्लांट घना होएगा। तो इस तरीके से आप प्लांट घर में लगा सकते हैं, और अगर आप पत्तियां तोड़ते रहेंगे तो आपका प्लांट घना भी होगा और आपका प्लांट ज़्यादा स्ट्रांग होगा, हेल्दी होगा, तो आप ज़्यादा पत्ते देने वाला ये बनेगा। तो इसलिए आप भी अपने घर में लगाइए, और हर एक बंदे को अपने घर में इस प्लांट को लगाना चाहिए। आपको जानकारी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर और लाइक से सब्सक्राइब भी कर लें। नमस्कार, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस एंड बंडल्स ऑफ सक्सेस।